हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम जीव विज्ञान लुसेंट का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके हर एग्जाम के लिए। तो इसमें अभी हम पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान मीन्स साइटोलॉजी। चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको एजुकेशन रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा मेरे चैनल पर। मिलते नेक्स्ट। तो प्रश्न, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? मीन्स कौन सी रचना जो है जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में डिफरेंस क्रिएट करता है, तो वो कौन सा होता है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के कारण मीन्स जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में हम लोग डिफरेंट कर पाते हैं। फिर है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? अगर मान लो कोशिका में राइबोसोम नहीं रहेगा तो इसमें से कौन सा काम नहीं होगा? तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि राइबोसोम के कारण ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे तो इनमें से कौन सा काम नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। क्या नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। फिर है, कोशिका का ऊर्जा गृह मीन्स पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को ही। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस का होम कहा जाता है, हाउस ऑफ पावर। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो वो होता है राइबोसोम में। राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? क्या होता है? प्लास्टिड। फिर है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? पादप कोशिकाओं का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को जो एक शेप देता है वो कौन देता है? वो देता है कोशिका भित्ति। फिर एक कोशिका भित्ति में उपस्थित महीन साखित झिल्लीदार एवं अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतःप्रायद्वीपीय जलिका, अंतःप्रायद्रवीय जलिका। फिर एक प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, मीन्स प्रोटीन जहाँ निर्माण होता है उसका मुख्य स्थल कौन सा है? वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम जो प्रोटीन जहाँ मिलना तब राइबोसोम को टिक करना सही हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? मीन्स कौन सा पादप कोशिका में होता है? तो वो होता है कोशिका भित्ति भी होता है, लवण भी होता है और रिक्तिकाएँ भी होती है। क्या हो जाएगा? उपलब्ध सभी। फिर है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, तो कहाँ मेनली वो श्वसन के लिए इम्पोर्टेंट है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, अब अवर्णिक लवण या ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं, तो ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है जड़ों की कोशिकाओं में। जड़ों की कोशिका, प्लांट का जो जड़ होता है रूट सिस्टम, तो उसमें ये पाया जाता है अवर्णिक लवक, अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। फिर है, फूलों और पौधे को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। आप देखते हो कि फूल डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, तो वो जो कलर होता है उसको कहाँ से प्रदान होता है? तो वो होता है क्रोमोप्लास्ट्स। क्रोमोप्लास्ट्स पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान है। किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम। नेक्स्ट है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वो एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम। हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम। नेक्स्ट, 80% से अधिक सेल या कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ मीन सबसे अधिक सेल में क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है जल, वाटर। और ह्यूमन शरीर में भी सबसे अधिक क्या होता है? जल ही पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वो मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव जो होता है कोशिका से बना होता है? तो स्वीडन और स्वंस मीन स्वेस और स्वंस, ऐसे आप लोग याद किए होंगे। तो पास्चर तोगानी वो टीका का खोज किया था, रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया था। तो ये स्वीडन और स्वंस, आपको दोनों एक साथ भी आ सकता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, स्वीडन और स्वंस।
किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, ये हम पढ़े हैं पहले भी, किसके कारण, कोशिका भित्ति के कारण, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है ग्लाजिकाय का प्रमुख कार्य है, तो क्या करता है, स्रवी, स्रवी का मुख्य काम है उसका। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, तो डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, राइबोसोम। फिर प्रोग्रेड सेल डेथ की कोशिकाएं एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एंजिंग, एंजिंग। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, इनमें से कौन सा नहीं होता, लवक, लवक ये क्या होता है, जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम कार्य करता है, लाइसोसोम किसकी भांति काम करता है, अंतः कोशिकीय पाचन में, अंतः कोशिकीय पाचन में वो लाइसोसोम काम करता है। फिर सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति है, तो ये इसमें से क्या है, ये है एक परागम्य, परागम्य। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का भित्री वलन कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के भित्री वलन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी, क्रिस्टी, क्रिस्टी को क्रस्ट से नहीं कन्फ्यूज कीजिएगा, क्रस्ट ज्योग्राफी का टर्म है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है क्रस्ट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है, तो अनुपस्थित होता है जीवाणु में, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। जीव द्रव्य मीन्स प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जीव द्रव्य का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, पुर्किंजे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुर्किंजे के द्वारा प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का नाम लिया गया था। फिर जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हॉक्सले ने कहा था, हॉक्सले, हॉक्सले बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए हेलिक्स का प्रारूप मॉडल किसने तैयार किया था, किसने किया था, वाटसन और क्रिक, ये सारे, ये तीनों इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट है न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, किसने किया, ब्राउन ने। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित होती है, तो वो किस में नियंत्रित होती है, केंद्रक द्वारा, किसके द्वारा, केंद्रक द्वारा। फिर है गुणसूत्र शब्द प्रदान किया गया, गुणसूत्र शब्द किया गया वाल्डेयर के द्वारा, वाल्डेयर। गुणसूत्र जो होता है सबसे अधिक अगर गुणसूत्र की बात करें तो टेरिडोफाइट्स में होता है, ठीक है ना, टेरिडोफाइट्स में, याद रखना उसको, इम्पोर्टेंट है। फिर अंत प्रायदर्व जालन का खोज कौन किया, तो वो किया गया पोर्टर के द्वारा, पोर्टर के द्वारा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, तो नॉल और रस्का, नॉल और रस्का। वैसे सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। दूरबीन का भी खोज क्या क्या कौन किया, वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक ना। देखो दूरबीन होता है दूर की वस्तु को देखने के लिए, सूक्ष्मदर्शी तो छोटी वस्तु को देखने के लिए, तो दोनों का खोजकर्ता का नाम बताओ आप, इंपॉर्टेंट है। फिर है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, किसमें मीन्स नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है, जीवाणु में, जीवाणु, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। फिर है सर्वाधिक संख्या 2N में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो किसमें क्या हो जाएगा, ओफियोग्लॉसस, ओफियोग्लॉसस में। नेक्स्ट जीवन का भौतिक आधार क्या होता है, तो जीवन का भौतिक आधार हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा, ठीक ना। फिर कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, मीन सेल के बारे में जो स्टडी किया जाएगा वो कहाँ पे है, हैदराबाद, हैदराबाद। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी जो है वो है माइकोप्लाज्मा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है माइकोप्लाज्मा। तो ये था इस वीडियो का एंड, इनसे टोटल 43 प्रश्न थे इसमें, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।